मुरादाबाद जनपद में 2022 विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है और अब पुलिस अधिकारी लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। इस कड़ी में सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चक्कर की मिलक क्षेत्र में सट्टा खेले जाने की सूचना पर सादी वर्दी में पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए दो सटोरियों को धर दबोचा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चक्कर की मिलक में सट्टा खेलते हुए क्षेत्र में ही रहने वाले सद्दीक और नियाज नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से सट्टा सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं एएसपी सागर जैन ने बताया कि कल सूचना मिली थी कि चक्कर की मिलक में जुआ सट्टा खिलाया जा रहा था और उन्होंने एक टीम तैयार की और मौके पर जाकर दो सटोरियों को गिरफ्तार किया। मौके से ही पर्चियां, नकदी और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। कल हमें सूचना मिली थी कि चक्कर की मिलक में जो है एक जुआ सट्टा खिलाया जा रहा था, तो हमने एक टीम तैयार करी और वहाँ मौके पे जाके दो सटोरियों को ऑन द लोकेशन हमने पकड़ा और हमने मौके से कुछ पर्चियाँ, कैश, एक नाजायज चाकू ये बरामद किया है। और आज मतलब कल रात में ये ऑपरेशन हुआ है, अभी FIR होके और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। जी, सूचना के हिसाब से ये लोग चोरी छुपे करते थे और कल हमने एक पूरी और जैसे ही इनको पता चलता था कि पुलिस एक्टिव है तो वहाँ से भाग जाते थे, तो कल हमने एक टीम तैयार करके सादे कपड़ों में ले जाके उन्हें मौके से पकड़ा। इनका एक का सद्दीक है और दूसरा नियाज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और साथ ही जाँच शुरू कर दी है।